अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम काम करने लगे हैं यूनिट नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.3 10 साइंस का। इससे पहले भी एक लेक्चर हुआ था इसका, जिसमें हमने रेंज फाइंड की थी और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड की थी। आज हम करने लगे हैं वेरियंस फाइंड, कैलकुलेट वेरियंस। बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का, कैलकुलेट वेरियंस। डाटा जो गिवन है इसका आपने वेरियंस फाइंड करना है। ये जो भी वैल्यूज गिवन है, ये वैल्यूज एक्स है, ये वैल्यूज एक्स है, यानी कि 10, 8, 9, 7, 5, उसके बाद 12, 8, 6, 8 और 2। आपने इन सब का फिर से स्केयर निकालना है। जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर स्केयर फाइंड किया था, वैसे ही बिल्कुल स्केयर फाइंड करना है। 10 का स्केयर 100 है, 8 का 64 है, 9 का 81 है, ये 49 है, 25 है, 144 है, 64 है, 36 है, 64 है, 2 का स्केयर 4 है। इन सब को आपने प्लस कर लेना है, समेशन एक्स है, इन सब को प्लस कर लेना है, समेशन एक्स स्केयर है। अगर आप इन सब को ऐड करेंगे समेशन एक्स वालों को, तो 75 है, इन सब को प्लस करेंगे तो 75 है, और इसका 631 है। स्टैंडर्ड डेविएशन जब फाइंड करना था उसका फॉर्मूला ये है, समेशन एक्स स्केयर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्केयर। ये है स्टैंडर्ड डेविएशन, ये है जो पहले लेक्चर में आपने किया था, ये था स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन आज है वेरियंस। वेरियंस क्या होता है, इन दोनों का स्केयर ले लेंगे, लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए लिखा है। वेरियंस है एक्स स्केयर, इसके ऊपर से स्केयर खत्म हो जाएगा, समेशन एक्स स्केयर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का स्केयर। इस वजह से ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि नया फार्मूला याद नहीं करना, बस जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला उसी का स्केयर लेने दोनों तरफ। समेशन एक्स स्केयर की वैल्यू हमारे पास मौजूद है 631, एन की वैल्यू काउंट करनी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से डिवाइड कर लें। समेशन एक्स की वैल्यू है 75, एन की जगह 10 और ये स्केयर, दोनों को डिवाइड करेंगे 63.1, 7.5 का स्केयर। ये 63.1, 7.5 का जब आप स्केयर लेंगे तब आपने 7.5 का स्केयर निकाल लें। 7.5 कैलकुलेटर यूज करके 7.5 मल्टीप्लाई 7.5 तो वो आ जाएगा 56.25। ये एस स्केयर वेरियंस है, ये एस स्केयर वेरियंस को शो करता है 63.1, उसमें से आपने 56.25 माइनस करना है तो 6.85 आ जाएगा, 6.85। ये आपका वेरियंस का आंसर है। फिर से एक दफा ब्रीफ करता हूं, जो डाटा गिवन है वो एक्स है, इन सब को प्लस कर लेना है, इनका एक दफा बारी बारी हर एक का स्केयर लेना है, उसको भी प्लस कर लेना है। मेन काम है फॉर्मूला याद करना, वेरियंस है स्केयर, समेशन एक्स स्केयर ओवर एन माइनस समेशन एक्स ओवर एन का होल स्केयर, बाकी इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके स्मार्ट सिलेबस में, जिसमें कह रहे हैं कैलकुलेट रेंज। क्वेश्चन नंबर जो आपने 4 किया था उसमें भी रेंज था, लेकिन वो अनग्रुप डाटा था, टेबल के बगैर था। अब रेंज फाइंड करने के लिए ग्रुप डाटा के अंदर ये हमेशा ये वैल्यू सेम होनी चाहिए थी, अगर सेम नहीं है तो इसमें क्लास बाउंड्रीज निकाल दिया ताकि ये सेम हो जाए, क्लास बाउंड्रीज। अब जो पहले वाले हैं लोअर बाउंड्री, इन सब में आपने क्या करना है, 41 में से 40 माइनस करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 1/2 आ जाएगा 0.5। पहले वाले हर एक में माइनस कर लेंगे 0.5, जो अपर वैल्यू है उसमें प्लस कर लेंगे 0.5, पहले माइनस करेंगे 30.5, इसमें प्लस 40.5, ये 40.5, 50.5, 50.5, 60.5, ये 60.5, 70.5, 70.5, 75.5। मकसद क्या होता है हमारा, इसको माइनस करने का या प्लस करने का, ताकि ये वैल्यूज सेम हो जाए। क्लास बाउंड्रीज का मतलब है कि ये जो वैल्यूज है दोनों की, उसकी अपर और उसकी लोअर वैल्यू दोनों सेम आ जाए। अब आपने रेंज फाइंड करना है क्लास बाउंड्रीज बनाने के बाद, सबसे जो बड़ी वैल्यू है एक्स एम माइनस एक्स नॉट 75.5 में से ये 30.5 माइनस करना है। बाद बुक्स के अंदर उसने इधर 31 है, बाद में 33 है, जो वैल्यू होगी आपने उस हिसाब से कर देना है।
इन दोनों को माइनस करेंगे तो 45 आंसर है। ये है रेंज, ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई है। कोशिश करें घर में इसको सॉल्व करें अलाने के बाद।